नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष और हमारे साथ बदमाश है अभी अंकित जी हैं। और अंकित जी को ट्रीटमेंट देते हुए नाड़ियों का कितना टाइम हो गया? 4 मंथ हो गए। और 4 मंथ पहले और अभी में इसके अंदर क्या क्या चेंज आया है, इसका इसका केस क्या है ये बताइए, और 4 मंथ में और अभी में क्या क्या चेंज आया है ये बताइए। सर, हैंड तो अपना लेफ्ट ईयर पहले भी यूज करता था, बट उससे कुछ खाता नहीं था। अब ये है कि उसमें जैसे हम बिस्किट दे देते हैं, रस देते हैं, या रोटी की छोटी बाइट्स वगैरह दे देते हैं, या प्लेट में हम काट के दे देते हैं फ्रूट, तो अपने आप खाता है, थोड़ा बहुत खाता है, थोड़ा गिराता है, पर कोशिश करता है खाने लग। और जैसे बेड के ऊपर लेटा होता है तो अपने आप को पुश करता है कि मैं बेड से नीचे उतरूँ। तो एक तो इसका वो जो बॉडी है बहुत लूज हुई है, पहले बहुत टाइट थी, अब काफ़ी पहले जो है वो स्टिफनेस थी इसकी बॉडी की, अभी जो है वो स्टिफनेस नहीं है। और थोड़ा ये वॉमिटिंग्स वगैरह भी करता था, बट उसका भी कंट्रोल है, जब से ट्रीटमेंट ले रही हूँ तब से नहीं है। जैसे फ़ोन वगैरह से भी हम किसी से बात करवाएंगे जिनकी, या इन्हें पता है कि ये मेरे अपने से, मतलब अपनी तरफ से कोशिश करता है बोलने की, जोर जोर से चिपकाता है। बाबू भी जो है 7.5 ईयर का हो गया, 8 साल का। आपने बहुत जगह दिखाया होगा। हाँ जी। तो अगर हम लोग नाड़ी योगा को वहाँ से कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है इन 4 महीनों के अंदर और वो जो 7 वर्ष हैं उसके अंदर? सर, हमें तो बहुत चेंज लगता है। मैं तो कुछ सोचती थी जब मेरा बच्चा 1.5 साल का था या 2 का, हमें पता चला था, तभी अगर हमें पता होता यहाँ का कि नाड़ी योगा है तो हम इसे उसी टाइम लेके आते, तो अब तक तो ये चलने भी लग जाता। तो अब जैसे हमें पता है या हमारे कोई और बच्चा देखते हैं, तो हम उसे यही एडवाइस देंगे कि उन्हें यहाँ पे आना चाहिए नाड़ी योगा है और अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो उनके जो पेरेंट्स हैं, मदर हैं, उनको जाता है कि जो लगातार जो नाड़ियों के सेशन है वो दे रहे हैं। आपको क्या नाड़ियों का देना मुश्किल लगता है, कैसा लगता है? नहीं सर, मुश्किल तो नहीं है, एक टाइम बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो हमारा काम होता है वो पहले कर देते हैं और जो इसका टाइमिंग है उसे ये टाइम देते हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है एक पूरे बिलीव के साथ बाबू को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि इसका जो मोटर और सेंसरी इशू है उसके अंदर टचवुड बहुत फ़र्क है। जो मैं सोच रहा था कि 7 मंथ में चेंज आएगा, वो मैं 4 मंथ के अंदर चेंज देखूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई इसको देख के। इसके अंदर निस्संदेह मदर का सबसे बड़ा ही योगदान है जिन्होंने लगातार।